गाइस, कुछ दिन पहले ही गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन को Geekbench और FCC सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया गया था, जहां पर से इस स्मार्टफोन के बैटरी, प्रोसेसर, रैम और OS को लेकर डिटेल्स निकलकर सामने आई थी। अब गाइस, फाइनली इस स्मार्टफोन को इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर भी स्पॉट कर दिया गया है, जिससे उम्मीद ये की जा रही कि गाइस इस स्मार्टफोन का लॉन्च हमें इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन की अब तक सामने आई सभी डिटेल्स के बारे में। तो उम्मीद है कि गाइज ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही कमाल की टेक वीडियोस मिलती रहे। तो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के लुक और डिज़ाइन के बारे में। तो गाइज, इस स्मार्टफोन का जो लुक और डिज़ाइन है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है, वहीं फ्रंट में गाइज आपको इस स्मार्टफोन में राइट साइड में ओकट डिज़ाइन वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि इस स्मार्टफोन को काफ़ी यूनिक सा बनाती है। वहीं स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो गाइज Geekbench से कंफर्म हुआ था कि सैमसंग इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम के लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर को ऑफर करने वाला है, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ 5G प्रोसेसर है। और यही सेम प्रोसेसर गाइज आपको गैलेक्सी A52s 5G स्मार्टफोन में भी मिलने वाला है। तो गाइज, ये स्मार्टफोन M सीरीज के अंदर अब तक का सबसे पावरफुल 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और जो गैलेक्सी M51 था गाइज, ये स्मार्टफोन भी जो है लास्ट ईयर का M सीरीज का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन था। तो गाइज, अब जो है सैमसंग अगेन इस साल गैलेक्सी M51 के सक्सेसर यानी कि गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन को पावरफुल प्रोसेसर के साथ में इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जो कि इस साल का M सीरीज के अंदर का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। वहीं बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो गाइज, इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो कि आएगी 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ में। और गाइज, ये डिटेल भी जो है FCC सर्टिफिकेशन से कंफर्म हुई थी। तो गाइज, बैटरी बैकअप भी आपको जो है इस स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है गाइज वो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। जितना कम नैनोमीटर का साइज होगा गाइज प्रोसेसर का, उतनी ही अच्छी स्मार्टफोन की पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो गाइज, बैटरी बैकअप को भी लेकर आपको जो है इस स्मार्टफोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अब बात की जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट में गाइज आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी, जो कि आएगी लेटेस्ट ओकट डिज़ाइन के साथ में। साथ ही आपको डिस्प्ले में 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो गाइज, डिस्प्ले को लेकर भी आपको जो है इस स्मार्टफोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है वो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है स्मार्टफोन के लिए। साथ ही सैमसंग इस स्मार्टफोन में हाई रिफ्रेश रेट को भी ऑफर कर रहा है। तो गाइज, डिस्प्ले वाकई आपको जो है इस स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। वहीं अब डिस्प्ले, बैटरी और प्रोसेसर के बाद में बात की जाए इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। तो गाइज, स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें कि प्राइमरी सेंसर होगा 64MP का, जो कि होगा सैमसंग का GW3 सेंसर। वहीं जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 12MP का अल्ट्रा वाइड लेंस। बाकी जो दो सेंसर होंगे वो होंगे 5 मेगापिक्सल के, एक होगा डेप्थ सेंसर, दूसरा होगा मैक्रो लेंस। वहीं गाइज, सेल्फी के लिए आपको इस स्मार्टफोन में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो कि आएगा ओ कट डिज़ाइन वाली डिस्प्ले के साथ में। तो गाइज, कैमरा सेक्शन भी जो है इस स्मार्टफोन का काफ़ी कमाल का होने वाला है, जहां पर आपको इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, ये कुछ मेन हाइलाइट्स फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात की जाए अदर्स फीचर्स के बारे में, तो गाइज इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए 3.5mm का हेडफोन जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, NFC और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं बात की जाए इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो गाइज अब जो है इस स्मार्टफोन को इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर स्पॉट कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट गाइज यहां पर जो है 1 मंथ का टाइम और लग सकता है इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च होने के लिए। तो गाइज हम जो यहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि इस स्मार्टफोन का जो लॉन्च है वो हमें सेप्टेम्बर के 3rd वीक या फिर 4th वीक में इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए। और गाइज जो गैलेक्सी M51 था, इस स्मार्टफोन का भी जो लॉन्च है वो हमें सेप्टेम्बर के मंथ में ही देखने को मिला था। तो गाइज इस स्मार्टफोन का भी लॉन्च हमें जो है सितंबर के 3rd या 4th वीक तक इंडिया में देखने को मिल जाएगा। वहीं प्राइस की बात की जाए तो गाइज इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है, इसकी प्राइस हमें 28,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकती है इंडिया के अंदर। बाकी देखना होगा गाइज जब सैमसंग इस स्मार्टफोन को इंडिया में ऑफिशियली अनाउंस करता है तब इसकी क्या प्राइस रखता है। तो गाइज ये थी सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन की अब तक सामने आई सभी डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।